नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग फैमिली रिलेशंस। ऑन वन साइड द रीच ऑफ टेक्नोलॉजी इज ब्रेकिंग बैरियर्स बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स, द अदर साइड ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट क्रिएटिंग अ फैमिली डिवाइड। ठीक है, एक तरफ तो जो ये सोशल मीडिया है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने पेरेंट्स और किड्स के बीच में एक ब्रिज बनाया, यानी इनको जोड़ने का काम किया, और वहीं दूसरी तरफ इसने फैमिली को डिसइंटीग्रेट भी किया है। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज वी यूज टूडे हैव चेंज्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जस्ट अ वांट टू अ नेसेसिटी इन वंस लाइफ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज जो आज की डेट में हम यूज करते हैं, जरा इमेजिन कीजिए, मोबाइल, मोबाइल हमारी क्या थी, एक चाहत थी, लेकिन आज वो हमारी नेसेसिटी बन चुकी है, यानी कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते, पार्ट एंड पार्सल बन चुका है मोबाइल। द टेक्नोलॉजी हैज मूव्ड फॉरवर्ड फ्रॉम सिंपल कंप्यूटर गेमिंग, SMS, चैटिंग और ईमेल्स टू असाइनमेंट कंप्लीशन टूल्स एंड वीडियो कॉलिंग। पेरेंटिंग इन डिजिटल एज हैज नाउ बिकम मोर चैलेंजिंग देन एवर बिफोर। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है फैमिली पे? पहली बात तो फैमिली में पेरेंट्स और किड्स के बीच में एक ब्रिज का काम भी किया है इसने, यानी जोड़ने का काम किया है। दूसरा, इसने फैमिली को डिसइंटीग्रेट भी किया, यानी फैमिली में डिवाइड भी किया है फैमिली को। हर समय बच्चों पे नजर रखना बड़ा मुश्किल है। लोग अपने मोबाइल पे स्ट्रेंजर के साथ बहुत आसानी से कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, यानी इसने पेरेंटिंग को एक चैलेंज बना दिया है। अब देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फैमिली। इन द अर्ली डेज देयर वॉज नो पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मिंग द फैमिली मेंबर इफ द डेज प्लान गॉट चेंज्ड। नाउ टेक्नोलॉजी इज ऑफरिंग अ गुड असिस्टेंस टू कोऑर्डिनेट द चेंज ऑफ प्लान्स विद जस्ट अ मैसेज और अ कॉल। ठीक है, तो अर्ली डेज यानी कि आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि जब कहीं पिकनिक जाना होता था और अचानक से कुछ चेंज हो जाए प्लान में तो वो बताना बड़ा मुश्किल होता था लोगों को। लोग घर आ जाते थे फिर हम लोग बताते थे, लेकिन आज की डेट में कॉल करके, एक मैसेज करके भी लोगों को बता दिया जाता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन इतना फास्ट हो गया। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग किड्स टू ग्रो एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन विदाउट डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ने किड्स को क्या बनाया है? इंडिपेंडेंट बनाया है। द न्यू मैसेजिंग एप सच एज व्हाट्सएप हैव ऑप्शन टू सेट अप फैमिली ग्रुप वेयर वन कैन इंटरेक्ट विद ऑल मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली डिस्पाइट वेयर दे आर। तो जो मैसेजिंग ऐप है आजकल के, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप फैमिली ग्रुप बना देते हैं, आप सिर्फ एक मैसेज करके पूरी के पूरे फैमिली को एक साथ मैसेज पहुंचा सकते हैं। द सेफ्टी विद इन होम विथ मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम्स हैज एडेड मोर पीस विथ फैमिलीज। द इमरजेंसी अलार्म एज वेल एज द क्विक रिस्पॉन्स ऑप्शन हेल्प टू ब्रिंग द पुलिस और द करस्पॉन्डेंट अथॉरिटीज टू बी एट द प्लेस एट द टाइम ऑफ रॉबरी और अ फायर। तो जो मॉडर्न सेफ्टी डिवाइसेस हैं, जो मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, ये क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इसीलिए जो फैमिलीज हैं उनको इन्होंने और ज्यादा सिक्योर किया है। किस तरह से? जैसे कि इमरजेंसी अलार्म्स हैं, ट्रैकिंग एप्स, तरह के ऐप आज अवेलेबल हैं। सम पेरेंट्स आर टू प्रोटेक्टिव अबाउट देयर चिल्ड्रन एंड वोंट अलाउ देम टू स्टे आउट ऑफ देयर रीच। हाउएवर विद अ वीडियो कॉल ऑप्शन अ पर्सन कैन वर्चुअली बी प्रेजेंट नियर यू। ठीक है, तो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने चिल्ड्रंस को लेकर के, उनको हमेशा फिक्र सताती रहती है। तो जैसे व्हाट्सएप है, गूगल डुओज है, इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है वीडियो कॉलिंग, यानी आप वीडियो कॉलिंग करके अपने बच्चे को देख सकते हैं कि वो इस समय कहां पर है। नेक्स्ट है द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अभी हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे हैं, अब देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। इट इज इम्पॉर्टेंट टू शेयर सम क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। टूडेज रियलिटी इज दैट इवन वेन पेरेंट्स प्रिटेंड टू प्ले विथ चिल्ड्रन और शेयर सम फैमिली मोमेंट्स, द ईमेल और चैटिंग इज टेकिंग हाफ ऑफ देयर अटेंशन। ठीक है, तो आजकल बहुत देखने में आता है कि गार्डन में जो पेरेंट्स हैं बच्चों को लेकर आते हैं, लेकिन पेरेंट्स का भी ध्यान और बच्चों का भी ध्यान किस पे होता है? मोबाइल पे होता है। सारे लोग या तो गेम खेलते रहते हैं या तो चैटिंग करते रहते हैं। ठीक है, यानी इसने क्या किया है, जो फैमिली टाइम था जो आप बच्चों को देते थे वो आज आप नेट पर बिताते हैं, यानी कि चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर करते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम, यानी कि पेरेंटिंग में ये नेगेटिव इफेक्ट है। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है पुअर फेस टू फेस इंट्रैक्शन। टूडे द मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड फ्रॉम डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन टू मेयरली चैटिंग। दिस सीरियसली अफेक्ट्स चिल्ड्रंस एज दे विल हैव पुअर फेस टू फेस इंट्रैक्शन स्किल्स व्हेन दे ग्रो। ठीक है,
तो पुअर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, यानी कि आप लोग डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते हैं आज के जमाने में। आप क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं। इससे क्या होता है, जो आजकल की जनरेशन आ रही है, जो किड्स हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है, जब वो फेस टू फेस किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो हेजिटेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है फैमिलीज पे टेक्नोलॉजी का। इट इज गुड टू शेयर एटलीस्ट अ मील टूगेदर टू हैव अ गुड बॉन्डिंग विद फैमिली में। टूडे इवन इफ दे हैव डिनर एट द सेम टाइम एवरीबडी विल बी गिविंग देयर हाफ फोकस ऑन देयर पर्सनल स्क्रीन्स। तो हम लोग सभी जानते हैं कि फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना बहुत जरूरी होता है इमोशनल बॉन्डिंग्स बनाने के लिए। लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग सब बैठ करके साथ में खाना भी खाते हैं तो लोग अपने अपने मोबाइल्स पे कुछ ना कुछ गेम चलाते हैं, या तो फिर फिल्म देखते हैं, या तो कुछ ना कुछ वो या तो क्लिप्स देखते हैं, वीडियो क्लिप्स देखते हैं, यानी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी कि आपका प्रॉपर अटेंशन जो है एक दूसरे के साथ नहीं होता है। तो ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। एज पीपल आर बिजी विद देयर गैजेट्स दे हैव नो टाइम फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। द सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इज सीरियसली कॉजिंग हेल्थ इश्यूज फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। तो ये आज की डेट में वर्ल्ड में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो किड्स होते हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज में कम ध्यान देते हैं। आजकल क्रिकेट भी लोग मोबाइल में खेलते हैं, फुटबॉल भी लोग मोबाइल में खेलते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है और ये सीरियस हेल्थ इश्यू है आज के एज में। पेरेंट्स वुड एडवाइस चिल्ड्रन टू गो आउट एंड प्ले एंड दे सिट इनसाइड द होम विद देयर मोबाइल्स, ठीक है। आज की डेट में जब आप किड्स को बोलते हो कि यार जाकर के बाहर खेलो, तो वो बाहर जाके नहीं खेलता है, वो क्या करता है, अपने डाइनिंग रूम में बैठ जाता है और मोबाइल के साथ गेम खेलता है, ठीक है। उसको उसमें ही बहुत ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी ये नेगेटिव इम्पैक्ट थे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्टेट पॉलिसी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पॉलिसीज हमारे कंट्री में बनी है उसको हम देखेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एज मॉडिफाइड इन 1992 स्ट्रेस्ड द नीड टू यूज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कब आई थी, 1992 में आई थी। ये किसका मॉडिफाइड वर्जन है, ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का मॉडिफाइड वर्जन है। याद रखेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब आया था, 1986 में आया था। इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो है नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि आया था 1992 में। द पॉलिसी स्टेटमेंट लेड टू टू मेजर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेमली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, क्लास, पेविंग द वे फॉर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एट द रेट स्कूल इन 2004। द सिग्निफिकेंट रोल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन प्ले इन स्कूल एजुकेशन हैज ऑल्सो बीन हाईलाइटेड इन द नेशनल कैरिकुलम फेयर फ्रेमवर्क 2005। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कब आया था, 2005 में आया था। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑल्सो फिगर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑन एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, तो ये आप देख लेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया था और सर्व शिक्षा अभियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगेन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज फिगर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली इन द नॉर्म्स ऑफ स्कूलिंग रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन दैट इज केब इन इट्स रिपोर्ट ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन 2005। इन 2012 द पॉलिसी ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन वॉज डेवलप्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजिटल डिवाइड। देखते हैं डिजिटल डिवाइड क्या होता है। अ डिजिटल डिवाइड इज एनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इन द एक्सेस टू यूज ऑफ और इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिटवीन एनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स में बी डिफाइंड बेस्ड ऑन सोशल, जियोग्राफिकल और जियो पोलिटिकल क्राइटेरिया और अदरवाइज, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है, डिजिटल डिवाइड एक गैप है बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज हु हैव
हु डू नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सोशल बेसिस पे, ज्योग्राफिकल बेसिस पे, जियोपॉलिटिकल क्राइटेरियाज पे, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जैसे कि रिच और पुअर। यानी पुअर के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कम एक्सेस होता है, रिच के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा एक्सेस होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं, एक के पास है एक के पास नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड कहते हैं। द डिवाइड विद इन कंट्रीज मे रिफर टू इनइक्वालिटीज बिटवीन इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, बिजनेसेस और ज्योग्राफिक एरियाज, यूजुअली एट डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक लेवल और अदर डेमोग्राफिक कैटेगरीज। द डिवाइड बिटवीन डिफरिंग कंट्रीज और रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज रिफर्ड टू एज ग्लोबल डिजिटल डिवाइड। एग्जामिनिंग दिस टेक्नोलॉजिकल गैप बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। तो जो डिवाइड होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल डिजिटल डिवाइड। ठीक है, ग्लोबल डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो डिवाइड होता है, जैसे अफ्रीका है, तो अफ्रीका में ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस कम है। यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे जैसे जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, तो यहां पर जो है इंटरनेट का एक्सेस बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड कहते हैं। द टर्म डिजिटल डिवाइड describes a gap in term of access to and usage of information and communication technology. तो अगर सिंपल वर्ड में देखें तो डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है, जो लोगों के बीच में गैप है, उसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। तो आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।